I thought about this for 2 days. You know, हर जगह जाके साफ करेगा. I should remove this concealer, use it again, put it back in the suitcase. This is the best concealer I have right now. It's giving Paris. His liquid lipstick is like butter. This goes to Sabrina, and this is for me. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. For today's video, I'm sharing everything that I bought from Singapore. काफी different चीजें इस बार मैंने खरीदी है. If you remember the last Singapore vlog, I bought a lot of Jordans, I bought a lot of Charles & Keith, which इस बार भी है because Singapore has great prices for Charles & Keith. It's made over there, तो बहुत अच्छी चीजें मिली है मुझे इस बार in the footwear category. इधर उधर मैंने vlog में बताया but I have not managed to show you all everything vlogs में. That's why I thought कि मैं बैठ के आप लोग को सब कुछ अच्छा से बताऊंगी. स्वॉचेस दूंगी बिकॉज आई हैव गॉट सम मेकअप हियर विद मी फ्रॉम सेफोरा. देयर सम जापानीज मेकअप जो वॉटसन्स में मुझे मिला, जो मैंने जापान में भी शायद ही देखा होगा दुकानों में होगा बट मुझे समझा नहीं होगा. एंड वॉटसन्स वाज मोर लाइक क्लियर कट फॉर मी टू शॉप. सो आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल इन दिस वीडियो. इफ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग. इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कम ऑन टू माय चैनल देन हाय, आई एम सारा. आई मेक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब. सो टेक अ मोमेंट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जॉइन द सारा स्क्वाड. आई एम श्योर यू लव इट हियर. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड with that we can dive straight into this. Let's start with makeup. Okay, I love my makeup and I get so happy. I'm like a kid in a candy store jab main Sephora jaati hu because internationally Sephora mein itne zyada options hote hain. Mujhe wo same feeling India mein nahi aati hai. But Singapore ka ek cheez hai ki they are not very very shade inclusive just like India. You know, in India also we don't get shades in every single thing. So Sephora mein the first thing I got is this super viral Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. This I got in the shade 4N2T. Isme overall कुछ 30 शेड्स लॉन्च हुए बट इन सिंगापुर ऑल्सो आई थिंक दे वर वेरी लेस शेड्स. एंड इन इंडिया यू डू गेट दिस ऑन टीरा ब्यूटी एंड यू गेट ओनली 15 शेड्स ऑन टीरा. तो मैंने जो शेड लिया है वो तो टीरा पे है भी नहीं. दिस फाउंडेशन हैज गॉन सुपर वायरल फॉर इट्स फ्लॉलेस स्किन लाइक फिनिश और मुझे ट्राई करना ही था. मैंने इसको ट्राई करके पहन के उसके बाद आई डिसाइडेड टू पिक दिस आउट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन. बट व्हाट आई रियली रियली लाइक अबाउट दिस फाउंडेशन इज द स्किन लाइक फिनिश. यू डोंट फील लाइक यू आर वेयरिंग मेकअप विद दिस. बहुत ही फ्लॉलेस, बहुत लाइट वेट सा फिनिश है इसका एंड इट हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ पिगमेंट तो वो काफी कुछ कवर कर देता है. बट आई डोंट थिंक इट्स सुपर फ्लॉलेस ऑल्सो. मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको पूरा रिव्यू दे रही हूँ, वेयर टेस्ट भी दे रही हूँ. इट डज वेयर ब्यूटिफुली, पूरा दिन टिकता है ये फाउंडेशन और पसीना वगैरह आके भी ये डल डाउन नहीं होता. आई थिंक जस्ट बाई इट सेल्फ ऑल्सो इट्स अ ग्रेट बेस प्रोडक्ट. आई फील लाइक लॉरा मर्सियर रियली डिड इट विद दिस वन. इट इज वायरल फॉर अ रीजन. आई डोंट थिंक इट फुल कवरेज बट ऑनेस्टली आई डोंट माइंड माई एक्ने मार्क्स एंड ऑल शोइंग. मुझे चलता है कि अगर स्किन इज लुकिंग लाइक स्किन एज लॉन्ग एज मेकअप इज नॉट केकी और फीलिंग वेरी लाइक मुझे निकालना है ये मेकअप, वो वाला फीलिंग मुझे पसंद नहीं है बिकॉज आई एंड अप वेयरिंग माय मेकअप थ्रू आउट द डे. एंड दिस इज वन ऑफ दोस फाउंडेशंस आई सी माय सेल्फ वेयरिंग एज इट इज. लाइक आई विल नॉट मिक्स अनदर फाउंडेशन विद दिस इवन दो इसका शेड मुझे स्लाइटली ऑफ है. दिस इज अ न्यूट्रल अंडरटोन एंड आई एम अ वार्मर अंडरटोन सो आई प्रेफर अ वार्मर फाउंडेशन. दिस इज स्लाइटली न्यूट्रल ऑन मी बट आई कैन लाइक मैनेज इट विद कंसीलर एंड पाउडर. तो मैं इसको कभी भी दूसरे फाउंडेशन के साथ मिक्स करते हुए अपने आपको देख नहीं रही हूँ. सो आई फील लाइक इट्स अ गुड परचेज फ्रॉम माई साइड. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद हर एक चीज जो मैंने सेफोरा से खरीदी है. सो आई फील लाइक यू विल गेट ग्रेट गिफ्टिंग रिकमेंडेशंस. या आपको खुद को भी गिफ्ट देना है तो यू नो यू शुड पुट दीज ऑन योर विश लिस्ट एंड देन जब भी कोई ट्रैवल कर रहा है यू शुड गेट योर हैंड्स ऑन दिस. नेक्स्ट आई हैव गॉट द फेंटी ब्यूटी विया इवन हाइड्रेटिंग लॉन्ग वेयर कंसीलर एंड और यू गाइस दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू कंसीलर ऑब्सेशन. मैं जितनी बार बताया ये सारी चीजें मैंने एक सूटकेस में पैक करके रखी थी घर पे और जब जब मुझे शूट करना था यूज करना था रिमूव दिस कंसीलर यूज इट अगेन पुट इट बैक इन द सूटकेस बिकॉज आई नीडेड टू शो यू ऑल बिफोर आई पुट देम टू एक्चुअल यूज. आई गॉट दिस इन द शेड 385W विच इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आई यूज 370 वार्म इन द प्रो फिल्टर फाउंडेशन. बट आई फील लाइक द कंसीलर शेड को अब फाउंडेशन शेड से मत मैच करने की कोशिश करना. और इस फेंटी ब्यूटी सच अ ब्रांड दैट इसने आज तक जो भी लॉन्च किया ना मैंने सब खरीदा. आई लव रिहाना एंड आई लव व्हाट शी स्टैंड्स फॉर इन मेकअप बिकॉज शी हैज समथिंग फॉर एवरी स्किन टोन, एवरी स्किन टाइप. हर एक चीज मैंने उनसे खरीदी है एंड आई हैव नेवर बीन सुपर डिसअपॉइंटेड. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नो आर इन माय ओकेश कैटेगरी. आई डोंट रीच आउट टू देम दैट मच लाइक द इजी ड्रिप फाउंडेशन एंड अनदर फाउंडेशन ऑल्सो. आई हैव लिटरली ऑल ऑफ अ फाउंडेशन बट आई डोंट रीच आउट टू देम दैट मच एज द प्रो फिल्टर फाउंडेशन. दैट्स मोर माय टाइप. दिस कंसीलर आई वॉज इफी अबाउट बिकॉज आई थॉट व्हाइल वेयरिंग दिस कि ये शायद मेरी ओकेश कैटेगरी में चला जाएगा बिकॉज इट्स हाइड्रेटिंग बट
No. This is not in my Okesh category. This is the best concealer I have right now. I love it. I think I love it a little more than Too Faced Born This Way. And that's saying something. Like Too Faced Born This Way is super, super full coverage. This is medium to full, but super hydrating. Bahut easily blend ho jata hai. Again, looks so skin-like and cancels out all my darkness. The warm undertone in this is perfect for me. I really like it. I think bahut choti tube mil rahi hai aapko. It is expensive for what you're getting. It's very less in quantity, but I really like the doe foot and I genuinely really like it. It does crease very easily and Jovi and I were discussing and she was telling me ki sari Fenty ke concealers bahut easily crease hone lagte hain, but honestly I don't mind that. Mere ko ek ye under eye pe na ek line hai jisme wo concealer crease hota hi hai. I feel like that's normal, right? Skin should look like skin through makeup also, so I'm okay with those small little details. I'm fine with that as long as it's long wearing and cancels out my darkness and just gives me that brighter appearance overall. Like concealer lagane pe aisa lagna chahiye, agar maine neend nahi bhi barabar li ho to bhi concealer lagane ke baad it should look like okay, she slept well, she's fresh. That's the kind of look I want. So this is a very fresh look that you get with this concealer. Next, from Sephora, I got my hands on the Wave spray. This brand is owned by Jen Atkin, if I'm not wrong. That's Desi Perkins' hairstylist. Ye honestly thoda sa impulsive purchase ho gaya because main itna expensive hair product bahut easily khareedti nahi hu. I budget out on my hair care because L'Oreal and all also make great hair care at a very, very good price. So you don't really need to buy expensive hair care. But something like this you don't get in another brand. It's very unique as a product. It's a wave spray. So agar aapke baal geele hai and you just spray this na, it sets into beach waves and my hair right now falls very straight, like literally poker straight, pin needle ke jaise mere baal girte hai. So it becomes very patla and aisa narrowed down, weighed down lagte agar main naturally apne baalon ko sukhaungi. So just in wet hair, if I'm spraying this, it gives me so much volume but not in a frizzy kind of way, in a very wavy beach wave kind of way. And it also has a very good perfume, so the perfume in this literally stays till your 2 days of wash, and that was surprising to me ki aapko ek cheez mein do mil raha hai. Aapko perfume bhi mil raha hai, wave spray bhi mil raha hai. So it's good because I like to smell good everywhere all the time. The fragrance on this is like, I'll tell you, fresh. It's like you've entered a salon and just getting a spa, hair spa. Very fresh wala fragrance hai, but tikega and you know aapke baalon pe rahega. So I like that. I will leave the prices on the screen because mujhe har cheez ka price yaad nahi hai. This price I do remember because I thought about this for 2 days before making this purchase. I got myself my first Tom Ford Beauty and I didn't pick up one, not two, I picked up 3 Tom Ford lipsticks. Okay, this is a very expensive lipstick, I must say. And bahut soch samajh ke maine khari. Sabse pehle I bought Mamma. This one. This is a bullet lipstick. This is in the shade Impassioned. Oh my god, the packaging on Tom Ford Beauty. I think, you know, like my dad says, luxury beauty mein sirf packaging ka paisa hai. But I feel like packaging and formula ka paisa hai. Because ye liquid lipstick jab maine pehni, maine nahi kharidi thi. Pehle round of Sephora mein maine nahi kharidi thi. बट मैंने उसको अप्लाई करके ऐसी निकल गई थी मॉल से एंड वो पूरी रात तक टिका. लाइक रात को मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, शी वाज लाइक विच लिपस्टिक यू आर वेयरिंग, इट्स स्टिल देयर. एंड देन आई टोल्ड हर दैट आई वाज बाइंग टॉम फोर्ड फॉर यू, सो आई स्वॉच द लिक्विड लिपस्टिक फॉर माई सेल्फ एंड आई दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. सो शी वाज लाइक गेट इट, लाइक गेट द लिक्विड लिपस्टिक, बहुत अच्छी है. तो मैं अगले दिन गई लेने के लिए और फिर मुझे एक शेड नहीं, दो शेड अच्छे लगे. तो जहां मैं एक लेने गई थी दो, बट तभी ना मैंने हुडा ब्यूटी का वो मस्कारा रख दिया. आई हैड बॉट हुडा ब्यूटीज वन कोट वाओ मस्कारा, आई केप्ट दैट एंड आई टुक दिस, नॉट लाइक इट सम्स अप टू द मैच. दिस लिपस्टिक इज इन द शेड Impassioned and the colors really pretty. Mummy ko aise colors bahut zyada acche lagte hai because she likes wearing just lipstick for her tuition days. So I feel like a nice dark berry looks really good on her. I really want to get my mom something from the luxury beauty section kyunki mummy mere liye itni sari cheeze khareedte hai from luxury beauty and she never buys anything for herself, you know. For my birthday also she got me Chanel and this and that and she does not use anything for herself. I have to then buy for her. So it's like a very like, mama please use this kind of thing. So I got her this and I was not going to buy for myself, but because she said ki acha hai and liquid lipsticks like all of us use, like Sabrina uses, Mamma uses, I use, all of us use the same makeup. Mera drawer is like samuhik drawer for all of us to use our makeup. So the first shade I got is this one which I was wearing. It's a nice berry tone wine, like a proper wine color, and it's called Illicit Kiss. It looks so good. Oh my god, you guys, this formula of liquid lipstick is like butter, like literally like applying butter. Super pigmented और रहती है, like टिक जाती है बिना आपके lips को dry out किए. I know कि ऐसे बहुत सारे lipsticks हैं market में and you will get liquid lipsticks at much cheaper prices for, you know, what Tom Ford is giving you. But it's not just about the packaging. वो एक चीज हो गई कि मैंने जब try भी किया, I was like, okay, if they are charging me $90, it's not just for the packaging. The color and the formula both are beautiful. Because मैं बहुत contemplate कर रही थी कि I wanted to buy the Hourglass का lip balm जो viral गया था, but I was like,
just because it's viral, I should not buy a product. I should buy the product I will use the most. So liquid lipsticks I use literally every day. This is the second shade I got. This is a shade Devoted. Lovely packaging with the gold and the black of Tom Ford. And this is a nice brick red brown color. Nude shader, but a little towards the deeper side. Mummy ko ye shade bahut acha laga. So I've told mama that you only use this one. It's looking very good on me also. But I'll keep this with her and then I'll sneak it when I need to use it. But the Illicit Kiss, that's my kind of shade. Mama doesn't wear itna dark colors. I think that's it for Sephora. I don't remember buying anything else. Yeah, that's it for Sephora. So like 4 to 5 products, but kafi achhi cheeze maine khareedi. So usme I got freebies. I got this bag free, which is very cute. I love the bag. It's a super super nice travel case. Isme andar mirror bhi hai aur brushes ke liye compartment bhi hai. And I got this. You should always ask for minis. Singapore mein hum log ne samne se pucha, like Shweta di asked for minis, so we got. If you don't ask, you don't get. But agar aap Europe jaoge na, un log bahut dildar hai. Matlab itni shopping pe to Europe mein 4-5 Dior ke perfume ke samples dal dete un log. Pain mein usne कितने मिनीज दिए थे. इंडिया में कुछ भी नहीं देते फ्री में, को मैंने खोला ही नहीं. दिस इज पैट मैकग्रैथ बाय द वे. आई डोंट ओन एनीथिंग पैट मैकग्रैथ एंड आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू गेट माय हैंड्स ऑन द सैंपल्स. मैं ट्राई करूंगी, अच्छा लगा तो आई विश लिस्टेड फॉर माई सेल्फ. दिस केम विद अ लॉट ऑफ कन्फेटी एंड टू छोटू छोटू पैट मैकग्रैथ लिपस्टिक, सो स्मॉल एंड सो क्यूट. पैट मैकग्रैथ पैकेजिंग, आई नो द लाइक द फुल कंपोनेंट इज सो लक, बट ये छोटू वाला मिला है हमको. लुक एट दैट, वी गॉट टू लिपस्टिक फॉर फ्री. आस्क फॉर योर मिनीज एट सेफोरा गाइस. दिस गोज टू सबरीना एंड दिस इज फॉर मी. बोथ ऑफ अस गॉट फ्री लिपस्टिक्स. लेट्स गो टूवर्ड्स वॉटसन्स. वॉटसन्स इज लाइक अ ड्रग स्टोर. ओके, वहां पर इट्स लाइक अपना क्या बोलू, वेलनेस फॉर एवर. बट अपने को वेलनेस फॉर एवर में मेकअप नहीं मिलता है, बट वहां पे इन बूथ्स वॉटसन्स ऑल दीज places you get. Boots is not there in Singapore, I'm not sure, but in UK you have Boots. The first thing I picked up from Watson's is my big batla of Aveeno body wash. I love this body wash. It's so great if you have dry skin like mine. Meri skin itni dry hai na body pe, matlab main itna thick moisturizer lagati hu 2 ghante mein wapas sookh jati hai. I have to literally non stop moisturize my skin and it's super super dry and very sensitive. Like mujhe fragrance body washes mein bahut few body washes jo suit karte hai, like only the plum vanilla suits me, like very mild fragrances suit me, you know. Bath and Body Works fragrance body washes don't suit me because they are very heavily perfumed. So mostly I prefer using a non-fragrant one. And Aveeno, मेरी पूरी family को अभी आदत हो गई क्योंकि मैं ये use करती हूँ, हम सब वो use करते हैं. ये इतना सस्ता मिला मुझे, ये full bottle 2000 rupees की मिली है, which is a very good deal because usually I buy the half size of this from Mumbai for 2000 rupees. So this was a good deal, so I got my body wash. Even Ishan uses this only, not the baby version, but he does use the baby lotion. तो उसका baby lotion भी 25% off पे था, तो वो भी मैंने उठा लिया. दिस इज द अवीनो बेबी लोशन. इफ यू हैव बेबीज इन द हाउस, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट टू जस्ट गिव एनीबॉडी हु हैज अ चाइल्ड. अवीनो मेक्स सम रियली ग्रेट बेबी प्रोडक्ट्स बिकॉज ईशान हैज यूज्ड इट. आई नो, फॉर एनीबॉडी हु डजंट नो, ईशान इज माय नेफ्यू एंड ही आल्सो हैज रियली ड्राई सेंसिटिव स्किन. सेम ब्लड लाइन, सेम जेनेटिक, सो सेम थिंग इज फॉलोड. नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई गॉट, दिस इज समथिंग दैट श्वेता दी टोल्ड मी टू बाय, तो मैंने खरीदा बिकॉज शी टोल्ड मी इट्स वेरी गुड. दिस इज बनीला कोज क्लीन इट जीरो क्लेंजिंग बम. आई थिंक इट्स अ कोरियन ब्रांड और अ जापानी ब्रांड, डेफिनेटली नॉट अमेरिकन. ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आज तक यूज नहीं किया है, मैं यूज करूंगी, आपको कोई व्लॉग में बता दूंगी हाउ आई फील अबाउट दिस. It doesn't have any fragrance, so that's a good thing. काफी variants थे इसमें. There was vitamin C and this and that, और बहुत कुछ था, but I bought the simple वाला basic. And इसमें एक चम्मच भी आता है, but I don't know what to do of this चम्मच. I don't understand कौन चम्मच पे लेके स्किन केयर लगा रहा है. Not me. Then I got Cosrx's Lip Sleep Lip Balm, cute little lip balm. Cosrx was cheaper over there as compared to India, so I was like, grab it, grab whatever I need. I have a lot of Cosrx already, so इतना कुछ चाहिए नहीं था. But a good lip balm, you can never go wrong with. It's a nice hydrating lip balm, nothing much to say. Yeah, I don't know agar India mein milta hoga to main Nykaa ke links aapke liye niche dal dungi. Foundation I know ke Tira pe milta hai, so whatever I find I will link it for you all niche. Then from Cosrx I got their pimple patches. Ab main na itna pimple patch use nahi karti hu because honestly it's not the best way to heal your pimples. We are not Korean. Our skin does not heal the way Korean skin heals. Our skin will always leave marks. If you're like, our skin, I mean like Indian brown skin is so prone to hyperpigmentation ki apna pimple pehle red hoga, fir wo pus niklega, fir uske baad we'll have that hyperpigmentation route also, whereas Korean skin's healing journey is very very different. So for them, if they put a pimple, remove the pus comes out, that's it, like it's gone. Uske baad they will not have to deal with the hyperpigmentation as much as apne ko hyperpigmentation hota hai. So we don't really want to pull out the pus before the pimple is ready to pop. That's the reason why I don't prefer pimple patches, because I feel like wo aapki skin ko itni der tak claustrophobic rakhta hai, aur fir jab aap nikalte ho to pus bhi nikal jata hai. Aapne usko prematurely pop kar diya hai, and uski wajah se aapko jo marks rahenge usko
टाइम लगेगा एंड दैट इज द पेस्की मार्क्स यू विल बी डीलिंग विद बट आई स्टिल गॉट माय हैंड्स ऑन जस्ट वन टू हैव लाइक हैंडी ऑन हैवी शूट डेज बिकॉज जब मैं पैक का शूट कर रही थी ना तभी मेरे को बहुत बुरे एक्ने हो रखे थे लाइक माय फुल फेस वाज सुपर सुपर इन्फ्लेम्ड एंड फ्लेयर्ड अप विद सिस्टिक एक्ने सो दैट टाइम द मेकअप आर्टिस्ट यूज्ड पिंपल पैचेस ऑन मी सो दैट जस्ट माय स्किन लुक्स थोड़ा इवन एंड द रेडनेस ऑफ दैट पिंपल डज नॉट शो ऑन कैमरा सो इट्स नॉट समथिंग आई रिकमेंड कि आप हर बार पिंपल हो तो पिंपल पैच यूज करो बट इट्स समथिंग दैट आई विल यूज इफ आई नीड एट अ शूट सो इट्स अ वेरी SOS थिंग दैट मैंने अपने आप के लिए खरीदा है कि ठीक है होना चाहिए बट हर बार मत यूज करो नेक्स्ट आई गॉट माय ओरल बी टूथब्रशेस मेरे पास पहले भी थे बट मेरी शिफ्टिंग में ना मेरा टूथब्रश गुम हो गया सो आई बॉट माय सेल्फ अ न्यू वन दिस इज पिंक इन कलर इट्स सो क्यूट आई हैव नेवर हैड अ पिंक वन ये मिलता है अमेज़न पे ऐसा नहीं कि इसमें कुछ यूनिक है बट मेरे लिए एसेंशियल था आई रियली फील लाइक दीज टूथब्रशेस डू सच अ गुड डीप क्लेंस ऑफ योर टीथ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट्स माय ओरल केयर रूटीन बट इट्स नथिंग आई जस्ट ब्रश माय टीथ ट्वाइस अ डे एंड आई यूज दिस इन द मॉर्निंग आई यूज विद विद टूथपेस्ट इन द नाइट आई यूज अ ड्राई ब्रशिंग सो दिस इज नॉट वेरी वेरी गुड बिकॉज ओनली द हेड रोटेट्स ओके द बॉडी डज नॉट वाइब्रेट ओनली द हेड इज वाइब्रेटिंग और ये बराबर हर कोने में घुस के आपके दांत को साफ कर देता है जो मैंने अभी वो कौन सा शार्क टैंक पे ब्रांड है परफोरा उसका मैंने टूथब्रश लिया था दो क्योंकि बहुत सस्ता था आई वाज लाइक ओ वाओ सो चीप एंड सो गुड एंड इट्स बैटरी ऑपरेटेड सो आई वाज लाइक वेरी कन्वीनियंट यू डोंट हैव टू चार्ज इट बिकॉज इसको चार्ज करना पड़ता है एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग टू कीप चार्जिंग योर टूथब्रश बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ऑलरेडी कीप चार्जिंग बट आई गॉट दैट एंड द परफोरा टूथब्रशेस आर नॉट इट फॉर मी उसमें ना हेड नहीं वाइब्रेट होता है द फुल बॉडी वाइब्रेट सो आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू व्हेन माय हैंड इज वाइब्रेटिंग माय टीथ हैव टू गेट क्लेंज्ड राइट फ्रॉम इनसाइड सो दैट ब्रश इज जस्ट नॉट इट ओके प्लीज इट्स अ वेस्ट आई एम नॉट गोना यूज दैट आई गॉट ईशान ऑल्सो एंड Oral-B electronic toothbrush. I'm not going to give it to him अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसके बाद में उसको दूंगी बिकॉज अभी अगर मैं उसको दूंगी ना वो हर जगह जाके साफ करेगा अपने दांत को छोड़ के सब साफ करेगा वो बिकॉज ही विल थिंक दैट इट्स अ टॉय बट इट्स अ स्पाइडरमैन वेरिएंट सो क्यूट सो आई गॉट इट फॉर हिम फॉर लेटर लाइक मच लेटर मे बी लाइक व्हेन ही इज 5 दैट टाइम आई विल गिफ्ट हिम तो मुझे फिफ्थ बर्थडे के उसके गिफ्ट का सोचना नहीं पड़ेगा और ये भी मिलता है उधर ये अपने को आई डोंट थिंक इंडिया में मिलता है विच इज लाइक द एक्स्ट्रा हेड्स तो अगर ये आपका हेड गंदा हो गया खराब हो गया तो यू कैन जस्ट रिप्लेस इट बिकॉज मेरा लास्ट टूथब्रश की बॉडी अभी भी मेरे पास है द हेड इज वॉट इज गॉन सो आई फील लाइक आई विल पुट दिस ऑन माय प्रीवियस टूथब्रश एंड गिव इट टू मम्मा और समबडी और यू नो आई हैव हेड्स नाउ आई हैव हेड्स एंड हैव द बॉडी आई हैव एवरीथिंग फॉर माय ओरल केयर देन आई गॉट माय पैकेज डील ऑफ माय बायोडर्मा माइसेलर वाटर यू ऑल नो आई लव दिस माइसेलर वाटर देयर आर लॉट ऑफ गुड माइसेलर वाटर्स आई अंडरस्टैंड But Bioderma is Bioderma. Okay, this is a very, very good micellar water. Bohut, like I got like a 3 ka pack for 1000 rupiah. Like, can you believe it? Like, this was some crazy deal. And Watsons pe na bohut saare alag alag discounts bhi the. Like, overall bill pe humko ye mila, fir voucher mila, fir humne ek dusre ka voucher ek dusre ke bill pe use kiya. Bohut kuch karke humne hamara bill ka amount bohut niche laya. To jitna main aapko bol rahi hu na usse mujhe sasta hi mili hai har cheez. Crazy price. I was like nothing doing. Mere paas weight to tha. Main Air India fly kar rahi thi. Some Japanese makeup. Now, please don't quote me on this. I'm not very sure ki sab Japan ke hai. के कहां के है बट एशियन मेकअप ओके वील कॉल इट एशियन पैन एशियन व्हाटएवर दिस इज फ्रॉम द ब्रांड 4U2 and this is their blink blink sparkle cherry in this shade shade is sparkle cherry it's just a lipstick which has some glitter also in it I didn't notice ke isme itna fine glitter hai but it's a proper like a lipstick then I got a powder lipstick again from the same brand 4U2 and this is their your mine powder lipstick this is also in the same color family like a mauveish dark mauve berry undertone powder lipstick hai but honestly mujhe ye thodi satin lagti hai it doesn't transfer as powdery as I would like a powder matte to look then I got my lip oil you know I love me a good lip oil this is from the brand 4U2 this serum tinted lip oil comes in this packaging और इसका formula मुझे थोड़ा ज़्यादा ही pigmented लग रहा है I love my Etude House glass tint I like that kind of pigment or a Romand tint वो भी सब भी था उधर but वो सब अपने को इंडिया में भी सस्ता ही मिलता है 4U2 अपने को मिलता नहीं है इधर so I bought it from them last product from 4U2 is this glitter eyeliner not like I use a lot of this but just found it a little too cute honestly ये पूरे section में ना we all went a little cray cray when we saw so much like different Japanese Korean makeup and we were like oh ये भी थिंकिंग कि ये ड्रग स्टोर है तो मतलब कितने का होगा $5-$6 इट वॉज नॉट $5-$6 ये सब कुछ $10-$12 करके हमारा बिल काफी लाइक व्हेन वी वर बिलिंग वी वर लाइक ओ माय गॉड दिस वाज दैट मच वी डिडंट केयर टू चेक बिकॉज़ इन सेफोरा यू थिंक अबाउट बाइंग थिंग्स अच्छे से इकोनॉमिकली सोच के बट इन वॉटसन्स वी वर होपिंग फॉर इट टू बी चीप नथिंग वॉज चीप बट वी गॉट ऑल दिस लास्टली आई गॉट दिस फ्रॉम फॉगी ब्लर टिंट दिस इज अ कोरियन ब्रांड इट्स मेड इन कोरिया इसका पैकेजिंग इज गिविंग फुल्ली लाइक द एट्यूड हाउस मिक्सिंग टिंट
एंड द कलर इज दिस बेरी पिंक. आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू लुक ऑन मी. ये सारा कुछ ना काफी हिट एंड मिस भी हो सकता है. ये दोनों तो मैंने पहले यूज किए तो आई नो कि इट लुक्स गुड ऑन मी. बाकी सब आई विल सी. दैट इज इट फॉर आवर कॉस्मेटिक मेकअप स्किन केयर. दैट्स इट. ओके दिस इज एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम सेफोरा एंड वॉटसन. दो बहुत ही मिसलेनियस चीजें मैंने उठाई है. वन इज द मोनोपोली डील कार्ड गेम. जस्ट यू नो समथिंग ऑन द गो. मोनोपोली इज सच अ बिग गेम और मेरे पास एक्चुअली मोनोपोली है ही नहीं. आई हैव ऑलवेज हैड बिजनेस. आई हैव नेवर हैड मोनोपोली. सो आई थॉट आई वुड बाय द कार्ड वर्जन जस्ट फॉर व्हेन वी आर इन द कार ऑन अ रोड ट्रिप और व्हेन वी ट्रैवल. वो बड़े बड़े बोर्ड गेम्स उठाना बहुत मुश्किल होता है. तो स्प्लेंडर भी मेरा बहुत बड़ा स्प्लेंडर है तो मैं लेके नहीं जा पाती हूँ. सीक्वेंस भी मैं लेके नहीं जा पाती हूँ. एंड यू नो आई लव गेम्स. आई लव लाइक आई फील लाइक इट्स फॉर माय फैमिली. इट्स अ लव लैंग्वेज. लाइक हम लोग जब छोटे थे मम्मी पापा सब्बू और मैं हर रात को गेम खेलते थे. कुछ ना कुछ गेम खेलते थे. लाइक वी यूज्ड टू प्ले कैरम और वी यूज्ड टू प्ले बिजनेस. वी यूज्ड टू एवरी नाइट प्ले गेम्स. एंड आई फील लाइक ईशान इज राइट नाउ वेरी स्मॉल बट व्हेन ही ग्रोज अप वी वांट टू मेक हिम आल्सो प्ले ऑल दी स्मार्ट गेम. इट कीप्स योर ब्रेन एक्टिव एंड बहुत अच्छा फैमिली टाइम होता है. माय फैमिलीज लव लैंग्वेज इज ऑलवेज बीन बोर्ड गेम. सो दिस विल बी ग्रेट जब हम फैमिली ट्रिप्स ले रहे हैं. तो आई कैरी इट. सो व्हेन आई सॉ इट आई गॉट इट. नथिंग टू जस्टिफाई विद अ मोनोपोली कार्ड. एंड देन आई गॉट दिस वेरी क्यूट फेंग शुई कीचेन्स जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा सिंगापुर वाले. एंड दिस बेसिकली चाइनीज न्यू ईयर लूनार न्यू ईयर इज यूजुअली द ईयर ऑफ सम एनिमल. तो जब मैं पैदा हुई थी 1999 में इट वाज द ईयर ऑफ रैबिट. एंड मम्मी पैदा हुई थी दैट वाज द ईयर ऑफ रूस्टर. सो वंस यू टेल देम व्हिच ईयर यू वर बॉर्न लाइक दिस इज द ईयर ऑफ द ड्रैगन. सो दैट्स व्हाई मेरे पूरे सिंगापुर के आपने व्लॉग्स में देखा होगा हर जगह ऐसा ड्रैगन वाला डेकोरेशन किया होगा. एंड लूनार न्यू ईयर चाइनीज न्यू ईयर वो लोग अपना वाला कैलेंडर नहीं फॉलो करते. लाइक एवरीबॉडी यू नो इन ऑल रिलीजन ऑल्सो दे हैव देयर ओन कैलेंडर दैट दे फॉलो. सेम वे दे ऑल्सो फॉलो डिफरेंट कैलेंडर. सो मॉम एंड आई रियली लाइक ऑल दिस क्यूट फेंग शुई काइंड ऑफ थिंग्स. एंड मम्मा तो रियली रियली लाइक्स फेंग शुई. सो शी डिड दैट यू नो शी यूज द टिबेटन बोल और फिर उन्होंने वो भी किया और लकड़े के साथ. एंड शी पुट समथिंग पाउडर डाला है इस पे. सो दिस इज लाइक अ प्रॉपर फेंग शुई कीचेन ऑफ मम्माज लूनार न्यू ईयर एंड माय लूनार. लाइक दिस इज द रोस्ट. दिस इज द रूस्टर एंड दिस इज द रैबिट. लेट्स डाइव इनटू द गुड स्टफ. आई नो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग टू सी व्हाट आई गॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ. सो दिस टाइम आई डिडंट बाय जॉर्डन्स बिकॉज एक बार आप जापान से शॉपिंग कर लो ना उसके बाद आपको हर चीज महंगी लगेगी इन टर्म्स ऑफ स्नीकर्स. बिकॉज इन जापान आई गॉट माई स्नीकर्स फॉर लाइक 6,000-7,000. दैट्स द काइंड ऑफ मनी आई वांट टू स्पेंड ऑन स्नीकर्स एंड गेट लाइक अ लॉट ऑफ स्नीकर्स. सिंगापुर से जब मैंने जॉर्डन्स लिए थे तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम बाइंग जॉर्डन्स एंड दैट वाज आई थिंक 11,000. सो व्हाई स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी. यू नो आई कैन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल गो बैक टू जापान एंड बाय माय सस्ता स्नीकर्स. और अभी मेरे पास पूरा साल टिके उतने स्नीकर्स है. सो चार्ल्स एंड कीथ गॉट गुड डील्स. एवरीथिंग हियर इज लाइक 2,000-4,000 वाला प्राइसिंग. दैट्स हाउ चीप चार्ल्स एंड कीथ इज इन सिंगापुर. एंड गुड फुटवेयर कलेक्शन. द फर्स्ट थिंग आई गॉट दिस वेरी प्रिटी बैलेरीना काइंड ऑफ फ्लैट. ये मैंने दो कलर्स में उठाए. एक मेरे लिए उठाए वेरी प्रिटी पेरिजियन बैलेरीना काइंड ऑफ फ्लैट. ये ना डियोर का स्टाइल है जो करंटली डियोर में है भी. एंड इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ हील. चार्ल्स एंड कीथ ऑल्सो हैड द सेम विद अ लिटिल बिट ऑफ हील बट आई रियली लाइक द फ्लैट्स मोर बिकॉज आई एम अ पर्सन हु डज नॉट लाइक हील्स दैट मच. आई डोंट नीड इट ऑल्सो. आई फाइंड इट अनकंफर्टेबल. ब्लॉक हील्स था मैं पहन सकती थी बट मुझे फ्लैट्स लेना था तो मैंने फ्लैट्स लिया. दिस इज इन द ब्लैक एंड व्हाइट विद द पर्ल डिटेल. इट्स गिविंग पेरिस. इट्स गिविंग लाइक गो गेट अ क्रोसां एंड पेरिस एट अ कैफे. वो वाला वाइब दे रहा है ये चप्पल. तो मैंने मम्मी के लिए भी लिया है. सेम चप्पल है लिटरली द सेम चप्पल बट इन अ डिफरेंट कलर बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू बी ट्विनिंग दैट मच ऑल्सो. सो माइन इज ब्लैक एंड व्हाइट विद लाइक अ चेकर्ड प्रिंट एंड मॉम्स इज जस्ट व्हाइट. अगर आप देखोगे क्लोजली तो इज अ कलरफुल चीजें है उस पे लाइक अ ट्वीड जूट मटीरियल. अच्छा प्लीज डोंट हैव एनीबॉडी एल्स शॉप फॉर यू एट चार्ल्स एंड कीथ इंटरनेशनली बिकॉज साइजिंग का थोड़ा लफड़ा है. इट्स नॉट द सेम एज द इंडियन साइजिंग बिकॉज यूजुअली आई एम अ 41 बट इसमें मैंने 40 लिया है. और आगे मैं एक चप्पल आपको दिखाऊंगी उसमें मैंने 39 लिया है. तो मम्मी का भी आई शुड हैव बॉट हर अ 36 इन दिस. आई बॉट हर अ 35 सो इट्स स्लाइटली टाइट फॉर हर. आई हैव टोल्ड हर टू जस्ट यू नो पुट न्यूज़पेपर एंड ओपन इट आउट थोड़ा सा बिकॉज शी फाइंड्स इट वेरी क्यूट बट शी डज नॉट सी हरसेल्फ वेयर इट बहुत ज्यादा बिकॉज फिर अनकंफर्टेबल होगा मम्मा को. सो दैट्स अ थिंग. यू कांट लेट समबडी एल्स शॉप फॉर यू एट चार्ल्स एंड कीथ बिकॉज उनकी शू साइजिंग परफेक्ट नहीं है. आई गॉट मम्मा अनदर पेयर ऑफ हील्स. वेरी वेरी प्रिटी. इट्स गिविंग वेरी डियोर अगेन. फ्लोरल फैब्रिक इज देयर विद दिस व्हाइट बकल डिटेल. मम्मी को मैंने वीडियो कॉल किया था तो सब चॉइस उन्होंने ही की है बट साइजिंग मैंने डिसाइड की दो साइज. मम्मी यूजुअली 37 पहनते मैंने दो साइज नीचे लिया है 35. So this is also slightly tight for her because this is poked like you know pointed at the top. So 36 would have been more comfortable for her. I really hope she can like stretch it out and make it work for herself. It has a little bit of kitten heel. Super pretty. Mama wears heels. She really likes it. So unke liye I have taken this. Then for mummy last I got this chappal. It's like a basic. It comes with a little bit of a wedge and super super comfortable. Ye chappal bahut zyada comfortable hai. But smart with this nice big buckle detail. So I got myself also this same chappal but in a white color. Mom's is black.
तो माइनस व्हाइट इट्स लिटरली द सेम स्टाइल बट माइनस 39 लाइक मॉम और मेरे पैर का फर्क देखो साइज लाइक इट्स जस्टिक बट या दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर माय सेल्फ आई ऑलरेडी वोर इट इन सिंगापुर आल्सो एंड सुपर कंफर्टेबल इसका पैडिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है आई कुड वॉक अ लॉट इन दिस चप्पल एंड दैट्स सेइंग समथिंग बिकॉज आई प्रेफर वेयरिंग स्नीकर्स अंडर एनीथिंग व्हेन आई एम ट्रैवलिंग यू गाइस आई केयर फर्स्ट फॉर कंफर्ट देन फॉर फैशन पहले मुझे चाहिए कि मेरे पैर कंफर्टेबल हो बिकॉज व्हेन यू आर टॉल यू फेस अ लॉट ऑफ बैक एक एंड ये सारे इश्यूज होते हैं जो लोग सबको नहीं समझते हैं कि हमको बैक एक वगैरह बहुत होता है हर जगह मुझे झुक झुक के जाना पड़ता है हर जगह के लिए मुझे बहुत बड़ी बॉडी को सपोर्ट करना है अपने पैरों पे तो मुझे स्नीकर्स ही कंफर्टेबल लगते हैं आई डोंट प्रेफर वेयरिंग ऑल दीस फैंसी चप्पल्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग लाइक व्हेन यू हैव टू वॉक इन यूरोप भाई पूरा पूरा दिन चलना पड़ता है इट्स अ लॉट ऑफ वॉकिंग टू डू सो आई प्रेफर बाइंग क्लोज कंफर्टेबल शूज जहां मैं सॉक्स पहन सकूं और जिसका सोल एकदम कंफर्टेबल हो द लास्ट पेयर ऑफ फुटवेयर आई गॉट फॉर माय सेल्फ आर दीज लोफर्स स्कूल गर्ल एरा इज बैक इन फुल फैशन एंड दिस इज वेरी वेरी स्कूल गर्ल एस बट दीज लोफर्स आर सो स्मार्ट इट जस्ट हैज दिस वन गोल्ड बकल डिटेल बहुत सारे आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू वेयर ट्राउजर्स एंड फॉर्मल्स आई ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट फुटवेयर टू वेयर क्योंकि वहां पर अगर मुझे मीटिंग्स वगैरह में जाना है तो आई कांट रियली वेयर स्नीकर्स स्पेशली इन बॉम्बे आई ड्राइव सो आई एम फाइन राइट बॉम्बे आई कैन वेयर अनकंफर्टेबल फुटवेयर आई ऑलवेज ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ हील्स इन माय डिक्की आल्सो कि अगर मुझे कहीं बहुत ज्यादा फैंसी जाना है तो आई स्विच अप फॉर अ हील जस्ट फॉर दैट थिंग एंड देन अगेन आई विल बी बैक इन माय चप्पल सो आई कीप ऑल दीस बैकअप्स इन माय कार दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट फुटवेयर इज फॉर मी कंफर्ट वाइज ओनली वन बैग आई पिक्ड अप फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ एंड यू ऑल लव्ड दिस बैग इंस्टाग्राम फैमिली ऑलरेडी सॉ इट ऑन माय लाइव एंड इट्स सच अ क्यूट बैग देखते के साथ आप लोग ने भी व्लॉग में देखा होगा यूट्यूब फैमिली ऑल्सो सॉ इट इन माय व्लॉग बट इट्स दिस क्यूट वेरी प्रिटी शोल्डर बैग व्हाइट एंड ब्लैक मिनिमलिस्टिक डिटेल दिस न्यू एडजस्टेबल बकल थिंग दैट्स हैपनिंग रियली लाइक इट इट्स वेरी स्मार्ट ये जो एकदम सिमेट्री है ना जैसे स्ट्रैप इज सिमेट्रिकल विद द बैग सो दिस इज सच अ स्लीक लुक इट लुक्स सो स्मार्ट ऑन दिस आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग टुडे आल्सो जस्ट इमेजिन दिस और इट आल्सो कम्स विद दिस बिग क्रॉस बॉडी बेल्ट तो अगर मुझे क्रॉस बॉडी पहनना है तो आई कैन इवन प्रेफर यूजिंग दिस बड़ा एडजस्टेबल मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने के स्ट्रैप का क्या करना है बट आई अंडरस्टूड नॉनदलेस एंड इट डज हैव इट्स ओन फेयर शेयर ऑफ पॉकेट्स इन साइड अंदर कार के लिए जगह है जिप है एवरीथिंग इज देयर दिस आई थिंक रफली $60 or something, 3,900 INR. I could be wrong with the prices, guys. I will leave it on the screen, but I know that I didn't spend a lot. Tara Charles and Keith ka shopping jo maine kiya na bag chhod ke, it was $300. And I'm a member in the Charles and Keith at Singapore. So the last time maine bahut shopping ki thi, to uska extra 10% off bhi mila tha. Plus you get tax refund, and Singapore's tax refund system is the best from anywhere I've traveled. Main aaj tak America nahi gayi hu, US se maine shopping nahi kiya, to mujhe nahi pata US ka tax refund system kaise kaam karta hai, kitna convenient hai ki nahi. But Europe ka it's a task okay every single city of Europe has a different rule you can't really apply Spanish rules to Paris Paris rules to Switzerland har jagah ka alag hai har jagah ka system alag hai it's काफी tedious to do tax refund in Europe sare products aapke paas hone chahiye passport hona chahiye jo insaan ne jo khareeda wo insaan wahi hona chahiye bahut kuch unke hai but in Singapore it's simple sleek they don't even check the items they just want you to scan the passport they give you the money back simple done tax refund in Singapore is super sorted Dubai ka bhi bahut acha isliye logo ko itna acha lagta hai Singapore aur Dubai se shopping करने बिकॉज एक तो नजदीक है फ्लाइट भी सस्ती होती है चीजें अच्छी मिलती है और फिर टैक्स रिफंड भी मस्त मिलता है आई फील लाइक इट्स अ शॉपर्स पैराडाइज सो इफ यू रियली वांट टू गिफ्ट योरसेल्फ अ बर्थडे हॉलिडे और समथिंग व्हिच यू जस्ट वांट अ शॉप Go to Singapore, I feel. But I don't know when I'll go again because अब मैंने ना सब कुछ ही देख लिया Singapore जाके तो I feel like now I want to explore new places and spend my money there. I hope you enjoyed this video. Let me know in the comments कि आपको सबसे best चीज़ कौन सी लगी जो मैंने खरीदी है. What are you looking forward to see me in from all of these items? And what is it that you would buy if you go to Singapore? Let me know in the comments. If you like this video, don't forget a big thumbs up. 40 Sasquatch Shout out goes to Enigma Female. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be part of next video Sasquatch Shout out, you know what to do. Subscribe button, bell icon, right next. And also, you comment down below saying hashtag Sara Squad and subscribe for my next video, Sara Squad Shout. I'll see you guys very soon in another video. Bye, guys. Love you.